चलिए, तो आ जाइए, हमने हिमाचल का जो है ये एग्जाम निकाल लिया है, आप रिफ्रेश करके दोबारा से जुड़ जाइए। जल्दी से जुड़ जाइए। ठीक है, आ जाइए जल्दी से। ठीक है, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। ठीक है, चलिए आ जाइए, हम यहाँ पे देखते हैं। पहला क्वेश्चन हम यहाँ पे देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वॉज नॉट अ डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश बिफोर 1951। देखिए क्या क्वेश्चन कह रहा है, 1951 से पहले निम्नलिखित में से कौन हिमाचल प्रदेश का जिला नहीं था? जल्दी से बता दीजिए। ऑप्शन है शिमला, मंडी, सिरमौर, चंबा। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, पहले तो चलिए पहले लिंक को आप शेयर कर दीजिए जल्दी से, जितने आज ज़्यादा जुड़ेंगे। अभी किसी को पता नहीं है कि हिमाचल की जीके चली है, आप जो है इसमें जो हमारे ग्रुप है उसमें डाल दीजिए, जल्दी जल्दी से डाल दीजिए ग्रुप। ठीक है, चलिए तब हम स्टार्ट करते हैं। ठीक है, अंकुश कुमार ने बिल्कुल सही आंसर दिया है, शिमला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, शिमला यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि जो सबसे पहले जब हम हमारा 1951 से पहले चार जिले थे, ठीक है, मंडी, सिरमौर, चंबा और महासू। ठीक है, तो शिमला नहीं था उस टाइम, शिमला 1972 में बना। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा गिरी हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट इज एसोसिएटेड विद विच रिवर? ठीक है, गिरी जल विद्युत परियोजना किस नदी से संबंधित है? ऑप्शन है सतलुज, यमुना, ब्यास या रावी। हाँ जी, लिंक को शेयर कर दीजिए कोई भी जल्दी से। ठीक है, मैंने देख लिया, अक्षय जैन, राजेश ठाकुर, अंकुश कुमार, कुलदीप सिंह, आप सभी कोई भी लिंक को शेयर कर दीजिए, किसी भी ग्रुप में आप शेयर कर दीजिए। ठीक है, ग्रुप में शेयर कर दीजिए। ठीक है, बिल्कुल सभी सही आंसर दे रहे हैं, यमुना बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, गिरीस ये सिरमौर में पड़ती है, 60 मेगावाट की है। ठीक है, 60 मेगावाट की है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग द पिग डज नॉट शिप ब्रीडिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर? निम्नलिखित में से किस स्थान पर भेड़ प्रजनन का विकास केंद्र नहीं है? देखिए भेड़ प्रजनन की बात हो रही है, नगवाई मंडी में है, बिल्कुल है। ठीक है, ताल हमीरपुर में भी है, ज्योरी शिमला में भी है, लेकिन चूड़ी चंबा में नहीं है। ठीक है, तो ए इसका बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। रेहला एट कुल्लू इज द नेम ऑफ, रेहला जो है वो किसका नाम है? कुल्लू में है, सभी को पता है रेहला है किस में। ठीक है, अंकुश कुमार ने सही आंसर दिया है, चूरी यहाँ पे बिल्कुल सही था। तो ऑप्शन है यहाँ पे गर्म पानी के चश्मे का, दर्रे का, नमक खदान का या झरने का। देखिए अक्षित जैन जी नगवाई है, राजेश ठाकुर जी ताल लिख रहे हैं, ताल नहीं है, चूड़ी इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए तो जो रहला है वो एक झरने का नाम है, डी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द फेमस प्लेयर शमशेर जंग एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स? ख्यातनाम समरेश जंग किस खेल से जो है संबंधित है? हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी या पर्वतारोहण। आपने लिंक शेयर नहीं किया है भाई, ये भी लिंक शेयर कर दीजिए। ठीक है, वाटरफॉल सभी लिख रहे हैं, शिवानी शर्मा। शिवानी जी आपसे मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लिंक को उसमें डाल दीजिए, ग्रुप में डाल दीजिए, एजेई का ग्रुप है, सिविल एजुकेशन का ग्रुप है, उनमें डाल दीजिए। तो ये शूटिंग से है, ठीक है, इसका जो सी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, शूटिंग से है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उसने कहा था नामक प्रसिद्ध कहानी के लेखक कौन है? हु इज द राइटर ऑफ फेमस बुक उसने कहा था, ये किसने लिखी थी? ठीक है, अक्षय जैन ने सही आंसर दिया, शूटिंग बिल्कुल सही आंसर है। तो जल्दी से बता दीजिए, उसने कहा था प्रसिद्ध कहानी के ये लिखी थी चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रविंद्रनाथ टैगोर व सुभाष चंद्र बोस ने हिमाचल प्रदेश के किस स्थान पर प्रवास हेतु ठहरे थे? यानी कि रविंद्रनाथ टैगोर एंड सुभाष चंद्र बोस स्टे एट दिस प्लेस ऑफ द हिमाचल प्रदेश फॉर देयर विजिट, जो जब वो हिमाचल प्रदेश में विजिट पे आए थे तो वो कहाँ ठहरे थे? जल्दी से आंसर दे दीजिए।
शांता कुमार कौन लिख रहा है? अक्षित जैन जी शांता कुमार लिख रहे हैं। शांता कुमार नहीं है वो, चंद्रधर शर्मा गुलेरी है, ठीक है उसका आंसर। हाँ जी अंकुश कुमार ने सही लिखा है। चलिए ये बता दीजिए आप नेक्स्ट क्वेश्चन। धर्मशाला, ठीक है। यहाँ पे देखिए दोस्तों डलहौजी करेक्ट आंसर है, ठीक है डलहौजी में वो ठहरे थे, ठीक है तो डी इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे। चलिए बताइए यूएस क्लब शिमला में जो है मूल रूप से किस ब्रिटिश शासक का आवास था? यूएस क्लब शिमला वाज ओरिजिनली द रेजिडेंस ऑफ विच ब्रिटिश रूलर? लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड किचनर या सर जर्मिया ब्रायंट? तो ये था सर जर्मिया ब्रायंट का, ठीक है तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हिमाचल प्रदेश विधानसभा प्रथम स्पीकर कौन था? तो वो था जयवंत राम। डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है ठीक है। सही, सभी सही आंसर दे रहे हैं बिल्कुल। अंकुश कुमार, राहुल ठाकुर बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हु वाज द रूलर ऑफ बुशहर स्टेट वेन द 1817 रिवॉल्ट टुक प्लेस? तो जब 1857 की क्रांति हुई तो उस समय बुशहर का राजा कौन था? शमशेर सिंह, मोहिंदर सिंह, छतर सिंह या फिर पदम सिंह? ठीक है सभी सही आंसर दे रहे, बिल्कुल सही आंसर दे रहे सभी। तो उस समय का जो राजा था दोस्तों, चलिए आप बता दीजिए कौन था उस टाइम का राजा। ठीक है बिल्कुल सही, सभी आंसर सही दे रहे हैं। शमशेर सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? भागल राज्य की स्थापना किसने की थी? संपूर्णा डे, बालडे, नामडे या अजय डे? तो यहाँ पे अजय डे इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? सुंदरनगर का पुराना नाम क्या था? व्हाट इज द अर्लियर नेम ऑफ सुंदरनगर टाउन? ठीक है सभी ने सही आंसर अजय डे दिया। नेक्स्ट आइए आप। सुंदरनगर का पुराना नाम था बनेड़, ध्यान रखेंगे बनेड़। तो यहाँ पे देखिए बनेड़ को कुछ उल्टा सीधा लिखा है, बारेद लिखा है, तो बनेड़ यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। हाँ जी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु वाज द मोस्ट पावरफुल किंग ऑफ कुल्लू डायनेस्टी? कुल्लू का सबसे जो है शक्तिशाली राजा कौन था भाई? जल्दी से बता दीजिए। कुल्लू का सबसे शक्तिशाली राजा, ठीक है। हाँ जी जल्दी से बता दीजिए। ठीक है जगत सिंह यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है डी यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जल्दी जल्दी करते हैं अब, ठीक है आप जल्दी जल्दी कमेंट करें। किसने कांगड़ा लाइब्रेरी की पुस्तकों का आधिपत्य लिया और उन्हें फारसी में अनुवाद कराया? ठीक है तो कांगड़ा की जो ये पुस्तकें 1300 के लगभग पुस्तकें थी, वो फिरोज शाह तुगलक ने जो इसका फारसी में जो वो करवाया था, चेंज करवाई थी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फटाफट से करते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखिए कौन सा जिला अपनी सीमा कांगड़ा जिले के साथ नहीं लगाता? ठीक है कांगड़ा के साथ कौन नहीं लगती? बिलासपुर, चंबा, ऊना मंडी? जल्दी से बता दीजिए। बिलासपुर के जो कांगड़ा के साथ जो विच डिस्ट्रिक्ट डज नॉट शेयर द बाउंड्री ऑफ कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट? ठीक है सभी सही आंसर दे रहे हैं, फिरोज शाह तुगलक बिल्कुल सही आंसर दिया सभी ने। कांगड़ा के साथ कौन अपनी शेयर नहीं करता बाउंड्री? ठीक है बिल्कुल सही, बिलासपुर सही आंसर है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मारकंडा खड हिमाचल प्रदेश के किस जिले में बहते हैं? मारकंडा खड फ्लो इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश? ऑप्शन है कांगड़ा, बिलासपुर, चंबा, सिरमौर। जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से। वीरेंद्र राणा, ठीक है सभी ने सही आंसर दिया है, जल्दी से बता दीजिए। तो जो मारकंडा खड है वो सिरमौर में बहती है, ठीक है तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नाको झील आ जाइए जल्दी से, नाको झील पे, नाको झील नाको लेक इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? किन्नौर, लाहौल स्पीति, कांगड़ा, चंबा?
ठीक है अंकुश जैन जी सभी सही आंसर दे रहे हैं, तो नाकू जिला है किन्नौर में, ठीक है ए इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सतलुज नदी शिमला जिले में कहाँ से प्रवेश करती है? सतलुज नदी, वेयर डज द रिवर सतलुज एंटर इन शिमला डिस्ट्रिक्ट? बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो सतलुज जब निकलती है तो ये बढ़ल में निकलती है, ठीक है तो बढ़ल यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर, सभी सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल वेरी गुड यार। जीके सभी की बड़ी कमाल की यार, कसम से हिमाचल जीके तो हर कुछ ही कमाल की जीके यार आप लोगों की, यार आई एम प्राउड ऑफ यू, सभी ने बिल्कुल सही आंसर दिए, मानते बात पर आपने लिंक शेयर नहीं किया अभी तक। हाँ जी ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, बाय व्हाट नेम ग्लेशियर आर नोन एज लोकल लैंग्वेज? ठीक है स्थानीय भाषा में ग्लेशियर का किसको कहते हैं? ब्यूडल, ब्यूवल, घरत, शिगड़ी या शिगरना? तो शिगड़ी यहाँ पे करेक्ट आंसर है। हाँ जी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टाउन डज नॉट फॉल इन द शिवाली किला? अब देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है, शिवालिक रेंज में कौन सा नहीं आता? चंबा, जोगिंदरनगर, पालमपुर या मनाली? अब देखते हैं जरा इसको कौन सही आंसर देगा इसका, चंबा, जोगिंदरनगर, पालमपुर या मनाली? मनाली दे रहे अक्षय जैन, मनाली, अंकुश कुमार मनाली, और भी बता दीजिए। देखिए चंबा तो शिवालिक में नहीं आता है, चंबा तो यहाँ पे गलत ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है पालमपुर भी नहीं होगा, जोगिंदरनगर नहीं होगा, तो मनाली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता का पतन कस्बा कौन था? ये तो हमारा जो है हिस्ट्री का क्वेश्चन है, हम यहाँ पे देखते हैं, ये देखिए टॉन्स रिवर विच इज एन इम्पॉर्टेंट ट्रिब्यूटरी ऑफ यमुना रिवर joins it at which one of the following place? टॉन्स नदी यमुना नदी की एक महत्वपूर्ण सहायक नदी है और ये कहाँ पे जुड़ती है? ऑप्शन है नाहन, कलसी, पोंटा या सिरमौरी ताल? चलिए तो जल्दी से बता दीजिए, तो ये जो टॉन्स नदी है यमुना नदी में कलसी में मिलती है, ठीक है तो बी यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड एट? देखिए सनावर स्कूल कहाँ है भाई, बता दीजिए विश्व का प्रसिद्ध सनावर स्कूल कहाँ है? ठीक है अंकुश कुमार, वीरेंद्र राणा, अक्षय जैन, बिल्कुल सही आंसर, सभी ने सही आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल कलसी, शिवानी शर्मा ने भी सही आंसर, शिवानी भी भाई जेई बनने वाली है, मैं इसके बारे में भी आपको बता देता हूँ, शिवानी भी जेई बनने वाली है। ठीक है तो यहाँ पे क्वेश्चन बता दीजिए आंसर, द वर्ल्ड फेमस स्कूल सनावर इज लोकेटेड नियर? हाँ जी ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया है, कसौली यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बता दो जरा, बता दीजिए लच्छांग फेस्टिवल ये कहाँ मनाया जाता है? लच्छांग फेस्टिवल है ये कहाँ मनाया जाता है? ठीक है तो लच्छांग फेस्टिवल देखिए शिमला में तो है नहीं, गलत है, चंबा में भी गलत है, अब दो ही ऑप्शन बचते हैं हमारे पास, लाहौल स्पीति और किन्नौर, तो ये हमारा जो है लाहौल स्पीति में मनाया जाता है। ठीक है चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, डोंगरी टेंपल सिचुएटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट? डोंगरी टेंपल सिचुएटेड इन डिस्ट्रिक्ट कुल्लू, हाउस एंड इमेज गॉडेस, तो डुंगरी मंदिर किसके लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन है काली को, हडिम्बा देवी को, दुर्गा को या पार्वती को? तो देखिए डुंगरी का मंदिर, जो डुंगरी मंदिर है वो हडिम्बा देवी को मनाया जाता है, और ये भी मुझे बता दीजिए किसने बनवाया था, जल्दी से बता दीजिए किसने बनाया था, जल्दी आप कमेंट कर दीजिए, डुंगरी ये हडिम्बा मंदिर है वो किसने बनाया था, जल्दी से एक मिनट का टाइम देता हूँ जल्दी से। हाँ जी जल्दी से सही बोल रहे हैं, आंसर सही बोल रहे हैं, पर ये बनाया किसने था जल्दी से बता दीजिए। तब तक हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हिमाचल प्रदेश विच प्लेस ऑफ द लिटल नोन एज लिटल ल्हासा इन हिमाचल प्रदेश?
तो लिटिल हासा सभी को पता है, धर्मशाला को बोलते हैं। डी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। एरिया वाइज डैश द लार्जेस्ट लेजिस्लेटिव असेंबली जोन हिमाचल, क्षेत्र की दृष्टि से हिमाचल प्रदेश का सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र। ठीक है, हाँ ठीक है, वीरेंद्र राणा, बहादुर सिंह दिख रहे, बहादुर सिंह ठीक है, बहादुर सिंह सही आंसर है भाई इसका। छत्र सिंह कौन लिख रहा है, शिवानी शर्मा, छत्र सिंह लिख रही है। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका लाहौल स्पीति बिल्कुल आंसर है। ठीक है, सही आंसर है बी इसका, बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाउ मैनी मेंबर आर इलेक्टेड फ्रॉम द हिमाचल प्रदेश इन इंडियन पार्लियामेंट, बता दीजिए जी। भारतीय संसद में हिमाचल प्रदेश के कुल कितने सदस्य चुने जाते हैं? ठीक है, तो राज्यसभा से आते हैं 3, लोकसभा से आते हैं 4, तो इक्वल टू हो जाता है 7। ठीक है, तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आ जाइए जी, अभी अगर थक चुके हैं तो बता दीजिए, फिर तब हम कल करेंगे नेक्स्ट क्लास। जल्दी आप अपना रिव्यू दे दीजिए। जल्दी से बता दीजिए अगर थक चुके हैं तो। ठीक है, फिर हम कल स्टार्ट करेंगे बाकी की क्लास, अगर अभी करने हैं तो फिर कंटिन्यू करते हैं। मेरी बात का आंसर नहीं दिया भाई आप लोगों ने, कंटिन्यू सर जी एक ही बोल रहा है, कंटिन्यू सर जी और भी बताइए जल्दी अगर कंटिन्यू करना है। अगर बस करना है तो फिर हम यहीं करेंगे, फिर कल करेंगे। फिर अगर आप थक चुके हैं तो हिमाचल की जीके जो करते हैं कल ही करेंगे, कंटिन्यू। चलिए ठीक है, कंटिन्यू ठीक है। चलिए बताइए जी, तो इसका मंडी जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द हट टू फोर्ट इन HP, हिमाचल प्रदेश लोकेटेड इन टेरिटरी, कहाँ है हट टू फोर्ट भाई? तो हट टू फोर्ट सभी को पता है शिमला में है। ठीक है, हट टू फोर्ट जो है शिमला में है, तो यहाँ पे देखिए शिमला ऑप्शन नहीं है, तो यहाँ पे डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, वेरी गुड यार, वेरी गुड, सभी दे दिया है, पढ़ाओ पढ़ाओ आंसर। चलिए यार, आप तो बड़े इंटरेस्टिंग लग रहे हैं हिमाचल जीके में तो। चलिए ठीक है, हट टू फोर्ट शिमला में है। ठीक है, चलिए आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, आ जाइए बताइए फिर। वेन डिड महात्मा गांधी विजिट धर्मपुर, तो जब महात्मा गांधी धर्मपुर आए थे सोलन में, तो एंड डिलीवर्ड स्पीच, तो उन्होंने मतलब कब आए थे, जो भी है 1938, 1939, 1940, 1941। चलिए जल्दी से बता दीजिए, जल्दी से बता दीजिए। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो 1939 है। ठीक है, बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। आप थोड़े आंसर स्लो दे रहे हैं, जल्दी करिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। हु वॉज द फर्स्ट हिमाचल स्पोर्ट्स पर्सन टू रिसीव अर्जुन अवार्ड, तो अर्जुन अवार्ड प्राप्त करने वाली प्रथम हिमाचली खिलाड़ी कौन थी? ऑप्शन है सीता गोसाई, सुमन रावत, रजनी गौतम या कांता सूद। हाँ जी, अक्षत जैन, अंकुश कुमार, इन्होंने बिल्कुल सही आंसर दिए, इन्होंने लगभग सारे सही आंसर दिए, अक्षत जैन हो गए। ठीक है, चलिए, नो आइडिया, कोई बात नहीं यार, आइडिया लग जाएगा, टेंशन नहीं है। सुमन रावत, ठीक है, अक्षत जैन ने सही आंसर दिया, सुमन रावत, सभी ने सही आंसर दिया है भाई। यार ये तो बहुत इंटेलिजेंट बंदे हैं, अंकुश कुमार, सुमन रावत जी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए फिर। चंबा कशीदाकारी और रुमाल के परिवर्तन में किसने अपनी गहन रुचि ली थी, बताइए जी। बिमला शर्मा, चंपावती, साहिल वर्मन या कमला देवी चट्टोपाध्याय, किसने? तो ये ली थी कमला देवी चट्टोपाध्याय ने। ठीक है, तो डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। हाँ जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया फिर। कांगड़ा का मशहूर मंदिर किस शताब्दी का है? द मशहूर टेम्पल ऑफ कांगड़ा इज बिल्ट इन विच ईयर, हाँ ठीक है, सभी ने सही आंसर दिया है, कमला देवी। अंकुश कुमार और अक्षय जैन के सबसे ज्यादा आंसर सही आ रहे हैं भाई, देखिए ये इन्होंने नंबर मार लेना है। राहुल ठाकुर भी अब तो दे रहे हैं, शिवानी शर्मा, कमला, ठीक है भाई, ये दो बंदे जच गए मेरे को भाई, इनकी मानता हूँ भाई मैं तुम्हारे को, अक्षित जैन और अंकुश कुमार बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं। ठीक है, 8वीं शताब्दी, ठीक है, सही आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बताइए जी फिर। मंडी का शिवरात्रि मेला किसने आरंभ किया था? हु स्टार्टेड द शिवरात्रि फेयर ऑफ मंडी, केशव सेन, श्याम सेन, युधीर सेन, अजबर सेन।
किसने किया था स्टार्ट? ठीक है, तो अजबर सेन ने किया था 1527 ईस्वी में। चलिए, द आर्यंस केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम, भाई बताइए जल्दी से, आर्यन केम टू हिमाचल प्रदेश फ्रॉम सेंट्रल इंडिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल अमेरिका, साउथ ईस्ट एशिया। तो जो आर्य हिमाचल प्रदेश में आए थे वो मध्य एशिया से आए थे, ठीक है, तो यहाँ पे सेंट्रल एशिया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए जरा फिर। हिमाचल प्रदेश का राज्य खेल, तो ये तो सभी को ही पता है, क्या है जरा बता दीजिए। वाह यार, बिल्कुल सही आंसर, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया, सेंट्रल एशिया। सही बात है भाई, इंटेलिजेंट बंदे हैं तुम लोग। बता दीजिए फिर, हिमाचल प्रदेश का जो राज्य खेल है तो वॉलीबॉल है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब ये बताइए आप, भाई दोना पाई मोमेंट इज कंसीडर्ड एक्सटेंशन ऑफ विच मोमेंट? भाई दोना पाई आंदोलन किस आंदोलन का विस्तार माना जाता है? बताइए जी। ठीक है, यशपाल ने सही आंसर दिया है। तो ये था दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन का, ठीक है। सॉरी सॉरी, भारत छोड़ो आंदोलन का नहीं था यार, ये सी सी बिल्कुल सही है। ठीक है, सभी ने आवागमन, सॉरी यार गलती हो गई थी, भारत छोड़ो का तो करो और मरो का नारा दिया था उसी टाइम। ठीक है, तो सी यहाँ पे इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जी, हिमाचल प्रदेश के पुलिस अधिकारी जो सेवानिवृत्ति उपरांत नागालैंड के राज्यपाल भी रहे, द पुलिस ऑफिसर ऑफ हिमाचल प्रदेश हु आफ्टर रिटायरमेंट सर्व्ड एज अ गवर्नर ऑफ नागालैंड? ऑप्शन है श्री बी कमल कुमार, आर एन गुप्ता, अनिरुद्ध उप्पल या अश्वनी कुमार। ठीक है, बिल्कुल सही आंसर, अक्षय जैन है, अश्वनी कुमार यहाँ पे बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो यहाँ पे सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बताइए जी, व्हेन बिकेम डैश बिकेम द फर्स्ट चीफ सेक्रेटरी सेक्रेटरी ऑफ हिमाचल प्रदेश 1952? अच्छा क्वेश्चन है, देखिए पहले सेक्रेटरी यानी कि पहला प्रमुख सचिव कौन थे? ऑप्शन है यहाँ पे श्री भगवान सहाय, श्री एम एस मुखर्जी, टी एस नेगी, के एल मेहता। तो यहाँ पे के एल मेहता बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये तो फिर यहाँ से आ जाते हैं फिर हिमाचल के क्वेश्चन। चलिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट मैन मेड लेक? तो ये तो सभी को पता है यार, मानव निर्मित गोविंद सागर है, सी करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ जी, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, यहाँ पे देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन द एल्पाइन जोन? एल्पाइन जोन नॉट पूछा है कि कौन एल्पाइन जोन में नहीं पड़ता है, जल्दी से बता दीजिए। एल्पाइन जोन में ऑप्शन है यहाँ पे देखिए दोस्तों, लाहौल स्पीति, चंबा, शिमला या फिर किन्नौर। देखता हूँ जरा इसका कौन सही आंसर देगा। एल्पाइन जोन, अभी मैं इससे डिटेल भी पूछूंगा आपसे इसकी, एल्पाइन जोन की। ठीक है, जल्दी से आ जाइए क्वेश्चन पे आप, क्वेश्चन ये है आपका, चलिए जल्दी से आ जाइए, अच्छा क्वेश्चन है और इसके बारे में बताएंगे भी आप मेरे को, जरा जो भी आंसर देगा वो उससे पूछूंगा मैं जरूर, क्या क्या मतलब है इसका। लाहौल स्पीति बोला है राहुल ठाकुर ने, तो आपका आंसर गलत है राहुल ठाकुर जी, लाहौल स्पीति नहीं है। और कोई आंसर देना चाहेगा इसका? विच वन ऑफ अमंग द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट डज नॉट फॉल इन एल्पाइन जोन? चलिए मैं ही बता देता हूँ, एल्पाइन जोन में शिमला नहीं आता है दोस्तों, तो यहाँ पे इसका बी करेक्ट आंसर है। एल्पाइन जोन जो हाईएस्ट रेंज पे होता है
वो हमारा अल्पाइन, ठीक है। अल्पाइन जोन में जो दोस्तों पौधे भी वहाँ पे छोटे छोटे होते हैं, बड़े पेड़ नहीं होते अल्पाइन जोन में, ठीक है। घास होती है छोटी छोटी, जैसे लाहौल स्पीति वगैरह है वो अल्पाइन जोन होता है, ठीक है। तो जितने भी ये अल्पाइन जोन में, ये अल्पाइन जोन में, ये अल्पाइन जोन में, ठीक है। तो शिमला करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए आ जाइए फिर, बता दीजिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वार 1918 यार एडी, देन राजा ऑफ चंबा स्टेट भूरी सिंह, तो उसने क्या किया था प्रथम विश्व युद्ध के दौरान, जो चंबा का राजा था, राजा भूरी सिंह, उसने क्या किया था? उसने जो है ब्रिटिश सरकार का जो है सहायता की थी, ठीक है। हेल्प्ड इन द ब्रिटिश गवर्नमेंट, ठीक है, ठीक है। तो हमारा अभी हम ये दो क्वेश्चन करेंगे लास्ट, ठीक है, यही क्वेश्चन बचते हैं हमारे पास लास्ट दोनों। बता दीजिए फिर, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ चंबा स्टेट, हु वाज द लास्ट राजा ऑफ चंबा स्टेट। ऑप्शन है हमारा भूरी सिंह, श्याम सिंह, राम सिंह या फिर लक्ष्मण सिंह। तो चंबा का जो सबसे अंतिम राजा था वो लक्ष्मण सिंह था, और डी यहाँ पे करेक्ट आंसर है, ठीक है। और चलिए लास्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। विच सीजन इन शिमला इज नोन एज लॉन्ग मून नाइट सीजन, बताइए जी। शिमला में कौन सी ऋतु लॉन्ग मून नाइट के रूप में जानी जाती है? तो सर्दी यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। तो बी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ठीक है। और अभी तो है इसमें बचे हुए क्वेश्चन, करने हैं, कर ही लेते फिर, बताइए फिर, ठीक है। सही आंसर दे रहे हैं, दो ही क्वेश्चन बचे हैं। हिमाचल प्रदेश में प्रागैतिहासिक प्राणियों के कंकाल कहाँ रखे गए हैं? बताइए जी, हिमाचल प्रदेश के जो स्केलेटन है प्राणियों के, ठीक है, उनके कंकाल कहाँ रखे गए हैं? सुकेती, नारकंडा, कालाटोप और नैनाधर, तो वो रखे गए हैं सुकेती में, ठीक है। तो ए इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे है हिमाचल में एशियाई बाघ कहाँ पाए जाते हैं? तो ऑप्शन है चायल, तीर्थन, रेणुका या शिकारी देवी, तो वो है रेणुका में, सी, ठीक है। तो आज की हमारी क्लास यहाँ पे ख़त्म होती है दोस्तों। बहुत अच्छा लगा आज की क्लास लगा के, आपको भी मज़ा आया होगा शायद। अब बचे भी दो ही बच्चे हमारे पास बचे हुए, ठीक है। तो ठीक है फिर, गुड नाइट सभी को मेरी तरफ से, और एक बार थम्स अप दबा दीजिए ज़रा, अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो, मज़ा आया हो पढ़ने का, कोई गलती फलती हुई हो तो भाइयों माफ़ करें, अपने से जल्दी से लास्ट में रिव्यू दे दें। ठीक है भाई, सभी को मेरी तरफ से गुड नाइट।